video, I'll be a little bit of selfish because these are my last days in Busan and I'm making this university tour just for myself because I want to see my university when I will be in Seoul or any other place in India. कभी भी जब भी हमको मन करेगा तुमको ये देखेंगे और ये याद आएगा हमको, इसलिए हम इसको बना रहे हैं. तो आइए शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी टूर हमारा. सबसे पहला हम लोग का ये है इस खासियत है हमारी यूनिवर्सिटी का क्योंकि हम लोग को एक जगह पे तीन यूनिवर्सिटी देखने मिल गया साथ साथ. तो एक है दोंगसोदे जो कि बीच में हमारा यूनिवर्सिटी दोंगसोदे हाक्यो, एक है खंगनम खंगो दे हाक्यो और दूसरा है बुसान डिजिटल दे हाक्यो. तो हम लोग को तीन कैंपस एक ही जगह पे मिलता है. कैंपस हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा ही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुंदर है. तो आगे चल के आपको दिखाते हैं कि कितना सुंदर है. तो चलिए हमारे साथ. मौसम भी हमारा थोड़ा साथ दे रहा है, थोड़ा अच्छा हवा चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत चिपचिप गर्मी है. इंडिया के कंपैरिजन में तो मर ही जाओगे, हम तो मर ही रहे हैं, जो आएगा वो भी मर ही जाएगा. बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है यहाँ पे बहुत. तो गाइस तीन यूनिवर्सिटी में से तो ये एक यूनिवर्सिटी है, इसका ये कैंपस है. ये है KIT का नाम चंगनम खंगो देहाक्यो. इसमें इंजीनियरिंग का मेनली तैयारी होता है, बाकी सबका भी होता है. तो ये वाला भी कैंपस काफ़ी सुंदर है और मेरे इंस्टाग्राम पर भी इसका कैंपस इस कैंपस का भी फोटो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं जो लोकेशन दी है वो दोंगसोदे की. गाइस हम लोग चल रहे हैं ये हमारा यूनिवर्सिटी जो है ना एकदम पहाड़ पे बसा हुआ है. तो इसका जो लाइब्रेरी है ना, आज शायद हम दूसरी बार जा रहे होंगे वहाँ पे क्योंकि हम कभी नहीं जाते, इतना ऊपर है. लेकिन हम वीडियो के लिए जाएंगे क्योंकि मेरे से ज़्यादा आप लोगों को कौन प्यार करेगा, हम बहुत प्यार करते हैं. चैलेंज लगवा के देख लो. कसम से कह रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में जितना सीढ़ी है ना उतना हम इंडिया में आज तक कहीं सीढ़ी नहीं चढ़े हैं, और जितना पहाड़ चढ़े हैं ना कोरिया में उतना अगर हम इंडिया में चढ़ जाते तो मांझी की जगह मेरा ही नाम होता. इतना चढ़ाया है, इतना चढ़ाया, हर जगह पहाड़ है. नीचे से ऊपर आने के लिए हम लोग को बस लेना पड़ता है, इतना ज़्यादा ऊपर
एकदम ऐसा स्लोप है। यूनिवर्सिटी का नक्शा बना हुआ है, मतलब यूनिवर्सिटी जैसे बना हुआ है ना, वो पूरा ये दिखा हुआ है। कार्ड लगा के अंदर जाना होगा। तो टाइम हो चुका है, सब कुछ बंद है, क्लासेस भी नहीं हो रहा, अभी तो वेकेशन भी चल रहा है तो कुछ भी नहीं खुला है। लेकिन यूनिवर्सिटी का जो फाउंडर थे उनका नाम मिनसॉक था, तो इसलिए इस लाइब्रेरी का नाम मिनसॉक है। और स्टैचू है ना, ये स्टैचू ऑफ नॉलेज कहा जाता है, ये ग्रीस से लिया गया है। कुछ हमको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन हमको पता है कि ये ग्रीस का स्टैचू है और यहाँ वहाँ से लिया गया, इसको स्टैचू ऑफ नॉलेज बोला जाता है, इसीलिए ये लाइब्रेरी के पास है और हमारे पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो आइए हम आपको अंदर चलते, देखिए हम जैसे बोले थे यहाँ पे इतना सीढ़ी है कि हम मर जाएंगे गिरते हैं, लेकिन उसी सोच में चल रहे थे, लेकिन यहाँ का सिस्टम डिफरेंट है। सो ये हमारा यूनिवर्सिटी का मैप है जिसमें ये सारा चीज है। और ये हमारा यूनिवर्सिटी इस तरह से फैला हुआ है कुछ। फंक्शंस होता है, कुछ भी होता है, वो यहाँ पे होता है। हम यहाँ पर एक बार भी नहीं आए हैं, ये पहली बार आ रहे हैं। और हमको किसी को भी अंदर नहीं जाने देता जब तक प्रोग्राम नहीं होता ना, या फिर कुछ बड़ा चीज़ नहीं होता ना, ऑडिटोरियम के अंदर किसी को नहीं जाना है। तो अब हम लोग दूसरी जगह चलते हैं, बंद कर। Thank you.
जगह है, यहाँ पे हमारा सारा कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट होता है। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, जीके स्कॉलरशिप के जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और जो लैंग्वेज ट्रेनिंग कर रहे हैं बेसिकली अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों का, यहाँ पे हमारा क्लास होता है। इस बिल्डिंग में हमारा क्लास होता था, हमारा सारा प्रोजेक्ट्स होता था, सारा असाइनमेंट जमा करना होता था, जो भी हम लोग का कल्चरल क्लास होता था सामान यहाँ से ही मिलता था। और अब ये हमारा जो बैंक है ना, बैंक के साथ ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये हमारा हॉस्टल है, इंटरनेशनल हाउस 2। यहाँ पे हम लोग सब रहते हैं। और हम लोग का ऐसे पहले था कि हम लोग अपना क्लास करने ना यहाँ से डायरेक्टली आ सकते थे, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ का गेट बंद हो गया और हम लोग को अब उस साइड से ऐसे घूम के आना पड़ता है, जो कि बहुत तकलीफजनक है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे पूरे जो एक साल में बस 2-3 महीना ही ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास हुआ है, बाकी सारा ऑनलाइन हुआ है, तो फर्क ही नहीं पड़ा आप लोगों को। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे इस साइड आते हैं, इस साइड आप देख सकते हैं ये हमारा स्टूडेंट प्लाजा है। बाहर में हम लोगों को खाने को मिलेगा, मतलब जो भी कुछ भी खा सकते हैं। अभी तो सब बंद है क्योंकि वेकेशन चल रहा है, लेकिन हम अपने दूसरे वीडियोस में ये सब दिखा चुके हैं, तो आप चाहे वो तो वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी क्लास खत्म होता तो यहाँ पे खाते थे, और इसके अंदर जो है ना वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। शांति है, हम यहाँ पे आते थे कभी कभी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा चेयर्स टेबल सब कुछ लगा हुआ है, इधर साइड हम बेसिकली यहाँ पे बैठ के पढ़ते थे। और सबसे मज़ेदार चीज़ है कि ये जो है ना, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, और हम आपको दिखाते हैं हम क्या किए थे। बोर्ड है जिसमें ना कोई भी आके मन करता है कुछ भी गाली वाली कुछ भी लिख सकता है आके। यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है ये हम बनाए थे और हम अपना नाम भी लिखे थे सांझ कहीं पे, पर पता नहीं गायब हो गया। लेकिन ये सिंचैन हम बनाए थे क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, तो आप देख सकते हैं। तो दीदी चलो लिख देते हैं चकते फट्टे। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरा नाम शादी किससे होने वाला है, जिमिन जे। हनुमान जी के भक्त हम, किसी पर नजर नहीं लगते। आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्सी सेक्सी महिला पुरुष देखने मिल सकते थे, लेकिन अभी कोई नहीं है क्योंकि वेकेशन चल रहा है। आपका घाटा के Oh,
याद आता है क्योंकि हमारे JNU का जो लाइब्रेरी है वो ठीक ऐसे ही दिखता था, है ना दीदी? तो चलो डॉर्मेट्री में किचन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे डॉर्मेट्री में किचन मिलता है। और जो भी हम अपने डॉर्मेट्री को अभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसका अलग से हम अपना एक टूर कर चुके हैं, तो अगर आपको देखना है तो वो वाला वीडियो हम लिंक कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं मेरा डॉर्म टूर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हमारा यूनिवर्सिटी मेरा एक साल पहले ना ऐसे आए थे तो अजीब लग रहा था, और अभी यहाँ पे छोड़ के जा रहे थे वो अजीब लग रहा है, ऐसे इमोशनल बहुत ज़्यादा कनेक्शन बन जाता मेरा किसी के चार्ज भी। तो उसको उस बात को साइड रखते हुए यूनिवर्सिटी का बहुत सारा पार्ट हम नहीं दिखा पाए क्योंकि बहुत ऊपर पर था और बहुत ज़्यादा गर्मी, आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं पसीना पसीना हो चुके हैं। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हम सारा जो मेन पार्ट है जो हम जहाँ जहाँ हम जाते हैं और हमको जो पसंद आता है वो सब कुछ आपको दिखा चुके हैं। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो कमेंट डाउन बिलो, और कमेंट ये भी करना कि आपको कौन से यूनिवर्सिटी में कोरिया में जाना है, मतलब कौन सा यूनिवर्सिटी पसंद है, आप ड्रीम देखे हो जाने का, या फिर आपको अगर ये यूनिवर्सिटी में भी आना है, या फिर आपको ईवा में, हम ईवा जाएंगे तो ऑब्वियसली ईवा का भी टूर करेंगे ही करेंगे, तो उसके लिए भी आप वेट करना, कमेंट कर देना प्यारा प्यारा। आई लव यू, बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।